आपको सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में लेकर चलते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है देखिए। विकास के हमारे राज्य मंत्री, अब आवाज आ रही, आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार चौबे जी, कर्मचारी कल्याण के हमारे अध्यक्ष भाई रमेश चंद शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ श्री संजय सिंह जी, भाई रोशन जी, रितेश जी, मलय श्रीवास्तव जी, एस कृष्ण चैतन्य जी, पैदल चलकर नरसिंहपुर से तुमने तो तभी दिल जीत लिया था, प्रकाश कौरव जी और बाकी साथी पैदल आए थे, राहुल नन्हेवीर प्रमोद वगैरह भी रोज मुझसे मिलते रहते थे, मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मामा तो हूं ही, बाकी रिश्ते इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मामा का रिश्ता तो परमानेंट है। रोजगार सहायक मेरा क्रिएशन है, राम काज पूरा करने के लिए सेतु बंधु बनाने का काम प्रारंभ हुआ, रामेश्वरम से श्रीलंका, तो हमारी बानर सेना भगवान श्री राम की यहां वहां पत्थर डाल रही थी, पत्थर डूब जाते थे, तब नल और नील याद आए और नल और नील ने बताया कि कौन सा पत्थर कैसे डालना और कहां डालना है, कहां बड़े पत्थर डालना है और कहां छोटे छोटे पत्थरों को फिट करना है। कौन सी शिला रखने के बाद बानर कौन सी शिला रखेंगे और गिलहरी कौन सी रेत उसमें डालेगी, यह भी तय हुआ। कंकर कंकर पत्थर गारा, यह अगर ढंग से किया तो नल नील ने ही की करवाया, और मेरे रोजगार सहायक नल और नील का काम मनरेगा में कर रहे थे। मनरेगा को व्यवस्थित करने का काम, काम का संचालन और क्रियान्वयन की डोर ये आपके हाथ में दी गई थी, मजदूरों का सर्वे हो, जॉब कार्ड का निर्माण हो, उपस्थिति दर्ज करना हो, मस्टर रोल तैयार करना हो, ग्रामीण मजदूरों के राशन कार्ड बनाना हो, ये सब आपके बूते पर ही हो रहा था, और आप वो थे जिनकी नियुक्ति में हमने फैसला किया कि गांव में जिसके ग्राम पंचायत में सर्वाधिक नंबर होंगे 12th में वही रोजगार सहायक होगा, तो योग्यता भी आधार थी, ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को भी रख लिया, जो योग्य था वो रोजगार सहायक बना, सही बात है कि नहीं। और आप तो चतुर बहुत निकले, आपने कंप्यूटर भी सीखे, कंप्यूटर भी चलाए, अलग अलग पोर्टलों का संचालन किया, प्रविष्टि का काम भी आपने सब किया, सूचना क्रांति के युग में शासन की किसी भी योजना का क्रियान्वयन बिना कंप्यूटर लैपटॉप के संभव नहीं है, आपने फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का काम भी किया, लेकिन केवल यही काम नहीं किया, चुने गए थे मनरेगा के लिए
लेकिन प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, संबल योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, लाडली बहना योजना, जिस काम के लिए कोई नहीं था उसके लिए रोजगार सहायक फिट कर दिए गए। और कोविड के काल में भी आपने जो पलायन करके लोग आ रहे थे वो बड़ा भयानक समय था, और मैंने भी वैसा समय जिंदगी में नहीं देखा। और मैं तो जब मुख्यमंत्री बना तब कोविड आ चुका था, लेकिन उस समय भी ग्रामीणों की ट्रैकिंग करने का काम, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्राइमरी जांच, कोविड की मौत को निमंत्रण देना था, लेकिन प्राइवेट जांच भी, प्राथमिक जांच भी की, एडमिट करवाना, हमने जो अलग अलग शिविर लगाए थे उन शिविरों का संचालन भी करना, बाहर से आ रहे मजदूरों को बसों में बिठा के दूसरी बॉर्डर तक छोड़ के आने का काम, ये आप सबने किया, और इसलिए आप मेरे लिए विशेष हैं। लेकिन 2018 में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मामा लौट नहीं पाया, बीच में दूसरी सरकार आ गई, और जब वो आई तो फिर और गड़बड़ हो गई, और बाद में वो जैसे तैसे गई तो कोविड आ गया। लेकिन आज मैं अपने प्रिय भांजे और भांजियों से ये कहने आया हूं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मुझे जब मिलते थे अलग अलग तो एक ही बात कहते थे, मामा जिंदगी से अनिश्चितता खत्म कर दो, हमारा भविष्य निश्चित कर दो। आज मैं आपके जीवन से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और आया हूं तो दिल से आया हूं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर आया हूं, और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, एक तो आपने सेवा समाप्ति से मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले इसी को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, गलती कोई करे और निपटा ना हो तो रोजगार सहायक कोई निपटा दो, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बड़े इंद्री हो गए, अगर निकालना तो कार्रवाई कर दो। अब रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकेंगी, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील समाप्त ये नहीं होगा। विभागीय जांच, दूसरी जांच, बाकी चीजें जो आपने अपने मांग पत्र में भी कही वो प्रक्रिया होगी, अगर इसके बाद कोई भयानक अपराध है तो बात अलग है, नहीं तो सेवा समाप्ति ये किसी भी कीमत पर नहीं होगी। फिर अभी आपको ना अवकाश है ना प्रसूति अवकाश है, हम भी इंसान हैं,
हमारा भी परिवार है और इसलिए चाहे अवकाश का मामला हो और चाहे प्रसूति अवकाश का मामला हो और चाहे ऐच्छिक अवकाश का मामला हो, ये सबके सब रोजगार सहायकों को दिए जाएंगे। अच्छा, मातृत्व अवकाश तो 180 दिन का हो गई, लेकिन 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, उसको भी तो घर रहने का मौका मिले। पंचायत सचिव की नियुक्ति में मैं ये तय कर रहा हूं 50% रिजर्वेशन रोजगार सहायकों को दिया जाएगा। आधी नियुक्ति आप फ्रेश करो और 50% हमारे रोजगार सहायक मित्रों में से करो, क्योंकि रोजगार सहायक के पद खाली होंगे तो दूसरे रोजगार सहायक ले आओ, तो रोजगार तो उतने ही लोगों को मिलेगा ना। पंचायत सचिव के बजाय आधे रोजगार सहायक हो जाएंगे और भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण और बाकी समस्त प्रक्रियाएं अब पंचायत सचिवों के समान ही आपकी होगी। पंचायत सचिवों का भी कल्याण किया तब रोजगार सहायक नहीं, सहायक पंचायत सचिव के रूप में आपका भी कल्याण किया जाएगा और उसके सारे नियम प्रक्रिया वो बनाने का काम कर लिया जाए। मैं आप मित्रों के ज्ञापन देख रहा था तो सारी सुविधाएं आपको इंसान मानकर की जाएगी, कोई भी काम अमानवीय ना हो। और तब तक एक बात तय है कि जो मैंने पंचायत सचिवों के लिए किया वो मैं रोजगार सहायकों के लिए करूंगा। और अभी हमारे सभी रोजगार सहायकों का 9000 वेतन है, अब 9000 में काम नहीं चलता है।